फिटनेस, हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड घरेलू नुस्खों की रियल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हर तरह के नुस्खों की जानकारी पा सकें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप घर पर देसी प्रोटीन कैसे तैयार करें। इस टॉपिक पर हमने पहले भी दो वीडियो दी हुई हैं। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप वे वीडियो भी देख सकते हैं। उन वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। अब बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम आपको जो प्रोटीन पाउडर बना के दिखाएंगे वो मैं खुद के लिए यूज करता हूँ। मैंने खुद कभी कोई मार्केट का प्रोटीन यूज नहीं किया। मैंने हमेशा अपने प्रोटीन खुद देसी चीजों से बनाए हैं जो 100% नेचुरल हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। चलिए प्रैक्टिकली दिखाते हैं। इस प्रोटीन को बनाने के लिए आपको लेना होगा 1 किलो ब्लैक चना, 1 किलो कच्ची मूंगफली की गिरी और 0.5 किलो सोयाबीन। इन तीनों को सबसे पहले खाली धूप में सुखा लें। उसके बाद चने को कढ़ाई में डालकर हल्की हल्की आंच पर 5 से 10 मिनट भूनें। और फिर इसे एक बर्तन में उतार लें। इसके बाद इसी तरह मूंगफली को खाली कढ़ाई में डालें और इसे भी 5 से 10 मिनट हल्की हल्की आंच पर चम्मच चलाते हुए भूनें। और जब भुन जाए तो इसे भी कढ़ाई से उतारकर एक बर्तन में डाल दें। इसके बाद आपको इसी तरह खाली कढ़ाई में सोयाबीन को डालना है। और हल्की हल्की आंच में चम्मच चलाते हुए इसे भी 5 से 10 मिनट तक भूनना है। और जब भुनने की खुशबू आने लगे तो इसे भी कढ़ाई से उतारकर एक बर्तन में डाल देना है। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भूनने के बाद 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये तीनों ठंडे हो जाएं, तो सबसे पहले मूंगफली को मिक्सी के जार में डालकर पीस लेना है। और जब ये पिस जाए तो इसके पाउडर को एक बर्तन में डाल देना है। और फिर इसी तरह भुने हुए सोयाबीन को जार में डालकर पांच मिनट मिक्सी में पीसना है। और जब ये पीसकर बारीक पाउडर बन जाए तो इसे भी मिक्सी के जार में से निकालकर अलग बर्तन में डाल देना है। अब इसके बाद आपको चना लेना है। ये चना जार में डालकर इसे भी 5 से 6 मिनट मिक्सी पर पीसना है।
और जब ये पिसकर बारीक पाउडर बन जाए तो इसे भी उसी बर्तन में डाल देना है। तो अब हमने इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से पीस तो लिया है, अब इन तीनों के पाउडर को अच्छे से मिला भी लेते हैं। और अब इन तीनों को मिलाने के बाद आपका प्रोटीन पाउडर तैयार है। अब इस पाउडर को कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें और ठंडा होने के बाद इसे एक डब्बे में भर लें। इस पाउडर का यूज आप रात में दूध के साथ करें। इस पाउडर के 4 से 5 चम्मच आपको डेली लेने हैं। ये पाउडर 10 से 15 दिन में ही आपका साइज और वेट पावर तेजी से इंक्रीज करना शुरू कर देगा और आपकी बॉडी में जो वीकनेस है उसे ये पाउडर 1 मंथ में पूरी तरह खत्म कर देगा। तो प्लीज इस पाउडर को ट्राई जरूर करके देखें, क्योंकि इस प्रोटीन पाउडर का यूज मैं खुद करता हूँ और मुझे बहुत फायदा भी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।